आप एक्चुअली बुल्स की पूंछ पकड़ के आप उनको दौड़ा रहे हो? पकड़ के, वही प्रोसीजर है। और इतना छोटा सा एक वुडन ये रहता है, एक लेग ऐसा, राइट लेग ऐसा स्ट्राइट भी नहीं है। ओके, जो बुल्स ऐसा रहता है, हाँ जी, एक क्रॉस रखना है, मतलब ये है तो ये है तो ऐसा रखना है। ओ वाह। अगर वो पांव स्लिप हुआ तो टूट सकता है पैर, टूट जाएगा। कैसा आपको तीखा मीठा चटनी की तीखा? सिर्फ ज्यादा स्पाइस नहीं चाहिए, स्पाइस नहीं चाहिए तो एक सिर्फ तीखा बना दो और एक तीखा मीठा। चीयर्स। क्यों इतना लोग इधर? शाहरुख खान का घर है ये। ओ अच्छा अच्छा। ये मुंबई रेन्स आपने एक्सपीरियंस की क्या? रेन? हाँ, व्हेन यू हियर? हाँ हाँ, बहुत 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 बार। तो क्या लगता है आपको, डियर, वर यू स्टक एवर? वी आर हैप्पी इन बैंगलोर। So what should I call you, Rishabh Anna, Rishabh Garu? No, Garu nahi. Rishabh. Rishabh. Rishabh is fine? Rishabh is fine. So welcome Rishabh, welcome to the Bombay Journey powered by Castrol Magnetic. कैसे हो आप? Superb. Thank Superb. you. मुंबई में आपका स्वागत है देखो। Thank you. तो अभी हम लोग हैं बैंड्रा में। अच्छा। मुझे पता चला आपका बैंड्रा फेवरेट एरिया है। हाँ सही, तो ये रास्ते में हम लोग, मैं 2008 में बॉम्बे में था। हाँ पहली बार आप 2008 में आए? हाँ 8-9 में आया था पहली बार। ओके। सो मेरा बहुत सारा रिलेटिव्स भी थे तो मतलब वो लोग लेके आते थे इधर सी वॉक, मतलब पूरा समुद्र, हाँ समुद्र देखने के लिए। और बहुत सारे स्टार्स का भी घर है बोलते थे। मैं ऐसे देख के जा रहा था। ओके तो ये बताओ सर, हमें पता चला है कि आपका नाम प्रशांत शेट्टी है। हाँ तो ये ऋषभ शेट्टी कब हुआ और इसका कहानी क्या है? वो तो लंबा कहानी है, क्योंकि यो प्रशांत शेट्टी बनके मैं ट्राई कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। ओके। तो बहुत साल ऐसे ट्राई करते करते मतलब चांस नहीं मिला। तो ऐसे ही हम लोग फिल्म इंडस्ट्री का जो कहानियां सुनते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स का जो ओरिजिनल नाम कुछ और रहेगा और फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद नाम चेंज कर देते हैं, उसके बाद उनका जो अपॉर्चुनिटी नहीं तो ये सब मिलता है करके। करेक्ट। वही एक और एक मतलब ट्राई था बस। ये भी एक ट्राई कर देते हैं करके, लेकिन इट स्टक। अभी आपका नाम ऐसा नाम हो गया है अभी, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। बट देखो सिंपल सा सीन है, कंतारा बहुत फेमस है, बट अभी हम लोग बॉम्बे में ना हिंदी वाली पब्लिक बहुत कंटारा कंटारा बोल रही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो एक्सेंट और उनका मतलब वो होता है ना, क्या करते हैं। हाँ कंतारा कन्नड़ा में ठीक से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। यस। कुछ 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 लोग का जो प्रोनाउंसिएशन इशू। करेक्ट करेक्ट। हर बार हम करेक्ट करके करके जाते हैं। हाँ द नेम इटसेल्फ ऑफ द फिल्म, एंड फर्स्टली सर मैं तो थिएटर में आई वाज शॉक्ड। ओके। बिकॉज ऐसी कहानी हमने नहीं देखी है। देन आई वाज मेसमराइज्ड, देन आई वाज जस्ट इन इट। मैं मतलब एज ऑफ द सीट देख रहा था। थैंक यू सो मच। और दो तीन बार तो आपने हमें डरा भी दिया। बट हमें पता चला कि आप 6th स्टैंडर्ड में थे तभी से यू वर डूइंग द ट्रेडिशनल फोक डांस। तो अभी इसमें जो आपने फिल्म में किया है और उसका जो प्रैक्टिस था, बट ऐसा हुआ हो सकता है ना कि आपने पहले किया हुआ था तो द बॉडी हैड्स द रिदम, ऐसा हुआ था ना? मतलब वो बहुत बार देखा था मैं, ठीक है, और ये फिल्म के लिए कम से कम 1000 वीडियोस देखा था। हाँ। तो और जो कोला करते हैं उस समय उधर जाके भी देखा था मैं। या या या। सो वो सेम करना था। और उसके साथ ही मुझे जो दैव कोला करते हैं, दैव नर्तक बोलते हैं, वो एक कम्युनिटी करते हैं। यस। वो लोग मेरे साथ थे। हाँ। वो लोग सिखाए कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। हाँ। क्योंकि इट शुड नॉट लुक लाइक यक्षगाना और सम अदर फोक फॉर्म्स। यस। सो इट शुड लुक लाइक दो दैव का जो ये होता है ना, मतलब जो वो एक स्पिरिट, जो नेचर का अंदर का जो एक स्पिरिट एक आदमी के अंदर आने का, सो उसके बाद जो उसका जो बिहेवियर या जो सो सही लगना चाहिए, गलत करेक्ट, नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सो इसलिए उन लोगों को साथ में रख के मैं उन लोगों से ट्रेनिंग लेके गया। हाँ नहीं आपने बहुत ही कमाल कर दिया साहब। मैंने कभी भी एंड एज अ फिल्म मेकर हुज एडीड हुज मेड हिज ओन काइंड ऑफ एड्स और व्हाटएवर, ओके, I have only seen so many writer, director, actors be able to make me go like क्या acting किया है इसने। तो वो जो आप also Rishabh Shetty and Raj Shetty are very famous
यू थ्री आर ट्रायो विच इज वेरी वेरी फेमस फ्रॉम द कन्नडा इंडस्ट्री बट ऋषभ शेट्टी वॉज डूइंग द कोरियोग्राफी एंड हेल्प ऑन द लास्ट सीक्वेंस विथ यू राज शेट्टी यस सो वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि राज को ये सब पता है करके हाँ क्या तो लास्ट मोमेंट मैं दो दिन पहले राज को फोन किया ऐसा मैं शूट कर रहा हूँ जो क्लाइमैक्स होने के बाद okay. जो गाना आता है वराह रूपम यस वो गाना अभी शुरू में भी है लास्ट में भी है ये सीक्वेंस अभी शूट कर रहा हूँ वो बहुत भारी रहता है मतलब 50-60 किलोस ऑफ वेट या वो पूरे अलंकार बोलते हैं हम लोग उसमें ऑलमोस्ट 60 किलोस ऑफ वेट सो इट विल बी डिफिकल्ट टू एक शॉट देने के बाद सीधा जाके मॉनिटर देखना ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा सो इसलिए हमको मतलब क्या चाहिए पूरे हम लोग जो दैव नर्तक थे उनसे पूरे लिस्ट आउट करके क्योंकि वो पूरे रात चलता है दैव कोला पूरी रात का ये प्रोग्राम है प्रोग्राम है सो लेकिन पूरे हम लोग दिखा नहीं सकते टू एंड हाफ थ्री मिनट्स का कंटेंट होगा हमारा सो इसलिए मैं वो लिस्ट आउट करके जो गगर सेवे बोलते हैं तो शुरू में जो वो हाथ में वो गगरा बोलते हैं हम लोग वो बहुत श्रेष्ठ रहता है वो जी जी वो और सिरी बोलते हैं ठीक है सो अणी बोलते हैं ये सब तुलु वर्ड है ठीक है सो वो सब लिस्ट आउट करके ये सब करना है करके सो उस समय मुझे हेल्प करने के लिए राज आए क्योंकि और एक बंदा चाहिए ताकि वो रिचुअल किसको पता चाहिए पता लगना चाहिए सो वो डीओपी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स किसी को भी पता नहीं है सो राज को पता था सो इसलिए उससे मैं अब आ जाओ मुझे थोड़ा इसमें ये कर रहा हूँ मैं थोड़ा हेल्प करो अगर दिस स्टोरी ऑल्सो आप खुद लिखते नहीं हो आप ऐसे कहानी आपके दिमाग में है और आपके साथ टीम है जो डेवलप कर रही है ये पूरा नहीं अभी क्या करता हूँ मैं मेरा थोड़ा ये पुराना स्टाइल है वो क्या बताओ ना मैं डिक्टेट करके जाता हूँ हाँ। ये कहानी बता के उनको उनको उनके साथ बोल बोल के डेवलप होता है ओके वेरी गुड वेरी गुड वो लोग लिख के जाते हैं मेरे को राइटर्स है अनिरुद्ध महेश और श्याम प्रसाद शनिल गुरु एंड प्रकाश तुमिनाड अरे वाह वाह सो इसमें दो लोग शनिल गुरु एंड प्रकाश तुमिनाड जो है मेरा दोस्त लोग फिल्म में ओके एक बुल्ला का कैरेक्टर जो आपके साइड में है साइड में वो बुल्ला का कैरेक्टर की है ना उसका नाम है शनिल गुरु यस और एक रामपा है ना वो प्रकाश तुमिनाड अरे क्या बात है वो ये दोनों राइटर्स है और प्रकाश तुमिनाडु को बहुत ज्यादा थिएटर एक्सपीरियंस है यू कैन सी इन हिज परफॉर्मेंसेस या सो ही इज अ वेरी गुड कॉमेडी आर्टिस्ट इन थिएटर या सो ही हैज अ टीम आल्सो अरे वाह एंड वो दोनों मुझे मेरे साथ मेरा प्रीवियस फिल्म में भी काम किए अरे वाह सरकारी चिल्ड्रन फिल्म किया correct, था, correct. भी काम किए थे सो उन लोगों को मैं डे नाइट चलता रहता है मतलब एक बार एक कॉन्सेप्ट आया तो डेढ़ दो महीना सीखा एक महीना में मतलब पूरे एक महीना नहीं है जी जी ये वीकेंड में जाता था मैं ठीक मतलब हर संडे पांच दिन मैक्सिमम में रिहर्स किया था वो एक दो लोग थे उधर परमेश्वर भट्ट और महेश पुजारी बोल के आप एक्चुअली बुल्स की पूंछ पकड़ के आप उनको पूंछ पकड़ के वही प्रोसीजर है हाँ सिर्फ पूंछ पकड़ के और इतना छोटा सा एक वुडन ये रहता है करेक्ट हम वो हलगे बोलते हैं हल हाँ जैसे हिंदी में हल हाँ, ओ, अच्छा हाँ, अच्छा सो हलगे बोलते हैं सो वो इतना ही रहता है एक लेग ऐसा राइट लेग ऐसा स्ट्राइट भी नहीं है ओके जो बुल्स ऐसा रहता है हाँ जी एक क्रॉस रखना है मतलब ये है तो ऐसा रखना है ओ वाओ ठीक है और एक लेग को आगे जो एक वुडन पीस सीधा जाके जा रहा है हाँ जा रहा है हाँ उसके ऊपर रखना है सिर्फ ग्रिप के लिए बस अगर वो पांव स्लिप हुआ तो आप गिर जाते हो नो गिरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार पूरे मट्टी है ना तो क्या पानी है पानी मट्टी पूरा ऐसा रहता है इधर तक है तो टूट सकता है पैर टूट जाएगा जो पहली बार ट्राई किया मैं गिर गया हाँ सो ऑलमोस्ट एंड में लेकिन थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया इधर तक मैं आया करके जी जी लेकिन पोजीशनिंग नहीं था ठीक नहीं था हाँ जो बफलोस इधर है तो मैं इधर था लुक्स लाइक वो मुझे लेके जा रहे हाँ। मैं उन लोगों को ये करने का जो वो ऐसा नहीं दिख रहा था बच गए लेकिन आप फिर लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा रिहर्स करके थोड़ा ऊपर ऊपर आ गया तो वो जो फिल्म में अभी दिख रहा है जी वो पोजीशन मिला
तो वो एक मतलब एक गॉसिप था, ये कैसे करेगा ऋषभ शेट्टी, ये ऐसा कंबड़ा ये सब कर रहे है, इस पे नहीं होगा वो सब, करेक्ट रूमर्स था, इसलिए कैसे करेगा ये करके देखने के लिए लोग आए थे मेरा गांव वाले लोग आ गया। पहली बार पहला शॉट में ऐसा वो बिड़िया शाउट करके लेके आया, सो कॉन्फिडेंस है मुझे नहीं लोगों को कि ये कर सकता है, कर सकता है। सो पूरे दिन शूट किया हम लोगों ने। अरे वाह। सो 36 राउंड्स आप भगाए। हाँ भगाए। देखो सर क्या है कि आप एक राइटर डायरेक्टर हो तो आपसे हम ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ सकते हैं। हाँ। जैसे मैं जब एक राइटिंग करता हूँ मेरा सबसे बड़ा टेंशन होता है प्रोड्यूसर को पिच किया, किधर भी आपने सुना है कहानी, फिर वो उल्लू का हो जाता है, फिर वो देयर आर चेंजेस दैट एवरीबॉडी मेक्स, और कई बार बाय द एंड एटलीस्ट इन एड्स आई हैव फेल्ट इट कि आपका जो आपने कहानी सोचा होता है इट गेट्स सो मडल्ड एंड चेंज्ड विद एवरीबॉडी, डजंट रिमेन द कोर एट व्हाट इट वाज, डजंट रिमेन द सेम, देन यू शुड नॉट कोलैबोरेट विद दोस काइंड ऑफ अ पीपल। सो दैट्स हाउ यू आर डूइंग नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन। हां तो क्यों मतलब मेरा कहानी किसी और बंदे ने आके वो ये चेंज करो वो चेंज करो किया तो मैं नहीं करता हूँ, नहीं तो इसलिए हम लोग प्रोडक्शन हाउस को लाए, तो मेरा प्रोडक्शन हाउस है रक्षित का प्रोडक्शन हाउस और राज का भी एक प्रोडक्शन हाउस है, इसलिए हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए शुरू किए। सही बात है। अगर मेरा कोर कहानी मतलब डाइल्यूट हो रहा है तो फायदा क्या है मैं फिल्म करके। सही बात है। तो वो एक क्या है ना आपको फिल्म करने समय में एक अपॉर्चुनिटी के वजह से हम लोग हमारा कहानी को चेंज किया तो आपका पिक्चर नहीं है वो, करेक्ट, किसी और का फिल्म है। सही बात है। सो आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो आई हैव बीन टोल्ड कि आपने बहुत ऑड जॉब्स भी किए, यू हैड वाटर कैन्स, सिनेमा में सर्वे होने के लिए किया था। सो एंट्री क्या है, आपने पढ़ाई क्या किया था, लाइक हाउ डिड दिस ऑल हैपन। मैं एक बीकॉम डिग्री किया था जी, एमबीए दो बार ट्राई किया, वो कंप्लीट नहीं किया कर सकता था मतलब एक ब्रैकेट में आ गया वो। हाँ। क्योंकि मैं दो सेमेस्टर मतलब एक सेमेस्टर गया तो एक फिल्म मिला, उसके मतलब डिग्री होने के बाद में फिल्म मेकिंग डिप्लोमा भी किया था। अरे वाह। हाँ। सो करके वेट कर रहा था, एक सेमेस्टर ज्वाइन हुआ था मेरा उस समय साइनेड फिल्म आया 2004 एंड में, यस, वो फिल्म में अपॉर्चुनिटी मिला तो वो छोड़ दिया, ये खत्म करके उसके बाद में। ऑन साइनाइड में आपका ऐसा बड़ा रोल नहीं है, नहीं आई एम एन असिस्टेंट डायरेक्टर। या यू आर डूइंग ए एडी जॉब। एडी मतलब क्लैब बॉय। क्लैब बॉय नहीं है वो, उससे भी कम, उससे भी लास्ट से रहता है ना आर्टिस्ट को बुलाने का, ये इधर जाओ उधर जाओ वो करे ये करो, ऐसा काम था। लेकिन 25 प्लस 2 डेज का पैच वर्क था, ठीक है, उसके अंदर मतलब जाते जाते लोग कम हो रहे हैं, मतलब एसोसिएट्स जा रहे दूसरे फिल्म में, थोड़ा थोड़ा ब्रेक था, लास्ट में कोई नहीं थे, मैं और मेरा दोस्त एक प्रभु बोल के एक बंदा थे। हाँ। हम दोनों थे, सो एसोसिएट का काम भी उधर ही सीख के बाहर आ गए मैं। अरे वाह। उसके बाद और एक सेमेस्टर ट्राई किया, पहले मैं मार्केटिंग में ट्राई किया था, उसके बाद एचआर ट्राई किया, वो भी एक सेमेस्टर जाने समय में और एक फिल्म मिला। छोड़ दिया सर। सो कूल, सो कूल। तो ये इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या इन लोगों को बताना जरूरी है कि देयर हैज बीन वाटर कैन, देयर इज, आई विल टेल यू एवरीथिंग बिकॉज़ वी स्टॉप्ड हियर। So there is you've done clap boy AD in cinema. Yeah. There is somewhere that said spot boy भी किया आपने। हाँ वो एक office boy का काम कर रहा था मैं इधर बॉम्बे में, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा तो हिंदी आ रहा है। कैसे कैसे आपका भाई इधर, मतलब एक फिल्म आए थे बैंगलोर शूट करने के लिए जी, उस समय मैं ऑलरेडी दो फिल्म में AD का काम किया था, ठीक है। सो लेकिन उसके बाद मैं एक्टिंग ट्राई किया, सो उधर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी नहीं है, इधर एक्टिंग भी नहीं मिल रहा है। बहुत 5-6 साल गया, बहुत सारे फिल्मों में हीरो का भी रोल मिला लेकिन फिल्म टेक ऑफ नहीं हो रहा है। कितनी ऐसी फिल्में की होंगी आपने जो ऐसे मतलब बहुत सारे ट्राई किया था। हाँ। उसके बाद एक होटल भी किया था, वो नुकसान हो गया। होटल डाला था आपने? हाँ। इधर मुंबई में? नहीं नहीं बैंगलोर में। बैंगलोर में। So is that you living up to the Shetty second name? मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गया पैसा का, उसके बाद कुछ भी काम दो तो कर देता था मैं, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन आ गया तो मुंबई आए आप, कहाँ रहे? मैं उधर बैंगलोर में इधर का एक प्रोडक्शन हाउस शूट करने के लिए आए। ओके। उस समय मैं किसी को पकड़ के काम मिला मुझे, उधर स्पॉट बॉय का मतलब ऐसे ऐसे लेके आने का लोकल कोऑर्डिनेशन, सो ऐसा कुछ कर रहा था काम, उधर काम देके वो लोगों ने इधर लेके आए। उसके बाद वापस गाँव गया, गाँव जाके उधर से नया एक काम चालू कर दिया, सिविल कंस्ट्रक्शन। अरे बाप रे बाप, क्या नहीं छोड़ा आपने। सब करके रखा है। सो वो किया, वो एक छोटा सा ब्रिज बनाया हमारा गांव में,
आपने ब्रिज बनाने में काम किया फुल? हाँ, छोटा सा ब्रिज। ओ वाह, वो एक्सपीरियंस देख के किसी और बंदे ने इन्वेस्ट किया और कंपनी बढ़ा दिया हम लोगों ने। हाँ। बीजापुर गया नॉर्थ कर्नाटका में। हाँ। उधर जाके दो साल में 2009-10 या 10-11 शायद उधर अच्छे अच्छे काम मिला। मतलब एक अम्बेडकर भवन कंस्ट्रक्शन किए थे हम लोग और एक 60 फीट का जो ट्यूब स्ट्रक्चर आर्च था वो भी बिल्ड किए थे। वो मैं खुद उधर रुके पूरा काम करके। अभी आपका सिनेमा साइड हो चुका है, अभी आप पूरा कंस्ट्रक्शन में आ गए थे। मतलब प्लान था वो बीजापुर जाने से पहले मैं एक फिल्म में काम करके गया। ओ वाओ, पैदल ही करता था। मतलब अगर चांस मिला तो सीधा आके काम करके गया जाता। क्रिक पार्टी अभी आने में बहुत टाइम है, 2016 में आया क्रिक पार्टी। तो उस समय में एक फिल्म काम करके आया, वो फिल्म का नाम है तुगलक। हाँ। उसमें रक्षित शेट्टी हीरो है। करेक्ट, तुगलक में आप भी हो। हाँ, वो विलन हूँ मैं, पांच सीन में आता हूँ। यस, सो वो हर बार एक दो दो ऑप्शन आता था मुझे। जी जी जी, मतलब एक काम का और एक फिल्म इंडस्ट्री का। ओ वाओ, सो मैं एक चूज करता था। ये मतलब बाढ़ में जाता था, मतलब ये क्लिक होता था, मैं उधर नहीं है। ओ वाओ, सही इधर गया मैं। ये हर बार ये शफल होते जा रहे। तो ये सर ये तो आपका एक लैंडमार्क मोमेंट हो रहा है कांतारा से, बट ऐसा कौन सा फिल्म था जिससे आपको लगा यू अराइव्ड, लाइक एवरीबॉडी न्यू दैट दिस इज हु यू आर एंड अभी पैसे का टेंशन नहीं है, अभी मन का पिक्चर बना सकते हैं? नहीं, वो पैसे का हम सोच नहीं थे। नहीं मतलब था क्या? ये रक्षित और मैं और हमारे पूरे टीम इंक्लूडिंग राज। या सो हमको जो कहानियाँ जो आता था जो वो एक प्योरेस्ट फॉर्म में हमको लोगों को पहुँचाना है। हाँ, पहुँचाना है, वो एक सोच था। क्योंकि क्रिक पार्टी किए है उस समय किसी के पास भी पैसा नहीं था। हाँ। रक्षित के पास या मेरे पास। रक्षित को कम से कम एक दो फिल्म हिट हुआ था, मतलब एक फिल्म बहुत बड़ा हिट हुआ था जी। सो लेकिन वो पूरा पैसे लेके आके फिल्म का जो टीम को मैनेज करना है ऐसा करता था वो। सो उस समय हम लोग नहीं, हमको ये क्रिक पार्टी जैसा फिल्म जो हम क्या बिलीव करते हैं वैसा फिल्म करना है करके जी। उसके बाद में क्रिक पार्टी इतना बड़ा हिट हो गया, उसके बाद में एक चिल्ड्रन फिल्म करने के लिए पैसा मिला। हाँ, सो उसमें भी प्रोड्यूसर का बहुत प्रॉब्लम था। ओ, मतलब नहीं मिल रहे थे। हाँ। क्योंकि वो लोग सोचा कि ये क्रिक पार्टी जैसा एक बहुत बड़ा हिट के बाद एक अवार्ड के लिए ट्राई कर रहे करके। हाँ। नहीं बोल सकता, नहीं यार ये कमर्शियल फिल्म है, ये हिट हो जाएगा। हाँ। लोग ये पसंद करते थे लेकिन वो लोग बिलीव नहीं करते थे। नहीं क्या? पिक्चर रिलीज होने के बाद वो अवार्ड भी आया तो पिक्चर भी बहुत बड़ा हिट हो गया। अरे वाह वाह। सो दिस इज विच फिल्म? सरकारी चिल्ड्रन फिल्म किया था। करेक्ट। इट्स अबाउट लैंग्वेज पॉलिटिक्स। यस। सो ये वो ऐसा एक थॉट प्रोसेस नहीं है, ये इस बार ये कहानी आ रहा है तो ये करना है बस वो थॉट प्रोसेस में जा रहा है हम सब लोग। विच इज वाई बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी आपको ऐसा ज्यादा वो नहीं करते बॉदर, या लोगों को सिनेमा पसंद होना जरूरी है, उन लोगों को हमारी कहानियाँ अच्छे लगना चाहिए। हाँ। सो ज्यादा से ज्यादा लोग देखना चाहिए फिल्म। सही बात। तो वही सोचते बस। ये आपको कार और बाइक्स का कोई शौक? कार का बहुत ताबी नहीं है। हाँ क्या ताब बोलो तो मतलब क्या आप? मतलब आई लाइक मोस्ट मोर ऑफ स्पोर्ट्स कार एंड ऑल। ओ रियली? मस्टैंग बहुत पसंद है मुझे। अरे वाह, पहले बताए थे हम लेके आते मस्टैंग। कोई बात नहीं, कोई अरे बात। अरे अभी अरे। तो वो नहीं है मतलब। हाँ जी हाँ। मतलब सिर्फ इधर उधर जाना है तो गाड़ियाँ चाहिए बस। यस। ओ वाह, से ज्यादा ये नहीं है। तो एसयूवी या सेडान में आप यू विल चूज एन एसयूवी और अ सेडान? आई लाइक सेडान। या ओके, बट क्या करते हैं, मुझे एसयूवी यूज करना होगा। हाँ, अगर आपको जाना लोकेशन जाना है। यस। सो वो भी यूज होता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो RX 100 का जो प्रेम है आपका। हाँ, वो तो मैंने पिक्चर में ही देख लिया जैसे। बहुत था वो कॉलेज में। हाँ। सो ये क्या हो गया, मैं बैंगलोर आ गया PU खत्म करके जी। PU तक मुझे SSLC तक मुझे एक BSS साइकिल दिए थे पापा ने जी जी जी। वो भी क्या है कि वो मेरा बहन को लेके आए थे। ओके। एक लेडीज साइकिल। ओह वाओ, ये स्कूल में सब लोग मुझे That's how they remembered you. जोक करते थे, ये लेडी साइकिल ऐसा। हाँ क्या? अरे बाप रे। मुझे क्या कि अरे यार मुझे एक जेंट साइकिल लेना चाहिए। हाँ, हम लोग हाँ। जो लड़के लोग यूज करते हैं। उसके बाद फर्स्ट PU में ऐसा मैं बोल के एक जेंट साइकिल जो मिला BS है। ओके। वो पूरा ऑल्टर ग्लिटर करके पूरा भाग रहा था मुझे। तो वो उसके बाद बैंगलोर आया
इधर मुझे RX 100 का बहुत शौक था, क्योंकि कॉलेज में डिग्री में जो लोग थे उन लोगों का जो RX देख के बहुत मन करता था कि मुझे भी एक, वो बाइक चलाना नहीं आता था उस समय, कॉलेज खत्म होने के बाद गियर बाइक So, मैं वो अपने कहानियों में लिखी हुई है चीजें, आपको बाइक चलानी नहीं आती लेकिन बाइक चाहिए। सो उस समय में पापा का जो दोस्त लोग है उनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस करके यार RX ऐसा मैं ट्राई करता था। लेकिन उस समय एक स्कूटी लेके आया पापा ने, क्योंकि एक साल के बाद मेरा बहन वापस गांव, मतलब गांव से बैंगलोर आ रहे थे उनका MBA करने के लिए। जी जी जी। सो उधर भी एक स्कूटी मिला, वही सेकेंड ईयर डिग्री समय में क्या किया, जो मिनरल रोड का एजेंसी चालू किया। हाँ। जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना है थोड़ा तो पैसा चाहिए। करेक्ट। और फिल्म मेकिंग डिप्लोमा करना है। सो पापा से पैसा पूछा तो कैसे है करके। सो वो गाड़ी के अंदर पूरा कैन डालना 20 लीटर का, वो एक सप्लाई करने के लिए यूज करने के लिए। वाँ वाँ वाँ। उसके बाद उस उधर मतलब मल्टीपर्पज था उसका। हाँ। सो उसमें पैसा बचा के जो बैंगलोर में पहली बार पल्सर DTS है आया ना, जो मैगविल, वो पहला गाड़ी मेरा था। 150 यस DTS है, वो पहला गाड़ी मैं मेरा पैसे से लेके आया। वो पल्सर तो आइकॉनिक था ना सर, ऐसा मतलब वो ऐसा इट्स लाइक अ थिंग, सो गुड। मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं किया ना, सिर्फ वो फिल्म में थी, वो एक कौन सी फिल्म थी वो, कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं आया? नहीं। ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स किए आपने जिसमें जो बहुत सारा, बहुत सारा कोई है क्या, काउंट डाउन किया क्या आपने? नहीं नहीं किया। तो 7 फिल्म्स में मैं लीड रोल के लिए सिलेक्ट हुआ था एज अ हीरो। रियली? तो एक भी टेक ऑफ नहीं हुआ। ओह शिट। उसके बाद और 2-3 फिल्म्स ऐसा ही है, आधा 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 होके बंद हो गया ऐसा। अच्छा अच्छा। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन था, अपार्ट फ्रॉम द प्रेज दैट यू गेटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, कोई ऐसा बॉलीवुड से ऑफर, कॉल्स, कन्वर्सेशंस आर हैपनिंग? या कॉल्स तो बहुत सारा आया था जी, प्रोडक्शन हाउस से और दूसरे अपॉर्चुनिटीज फिल्म करते है करके, लेकिन आई वांट टू मेक फिल्म्स इन कनाडा ओनली। रियली? हाँ। सो कनाडा में करके ऐसे ही, अभी तो जो लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है, मतलब जो रूटेड रीजनल कंटेंट को इतने सारे अप्रिसिएशन और सपोर्ट मिल रहा है और प्यार दे रहे लोग जी। सो वही रास्ते में चलता हूँ मैं। क्या बात है। अच्छा, ये देखो, ये दिस इज वेयर द इंडियन मुंबई करके मिलेनियल लोग इधर चिल करते थे, हमारा मतलब ऐसा पब बार वगैरह इधर है। अच्छा। तो इधर बहुत पॉपुलर जनता बार करके इधर ही है इधर, और काफी उसके बाजू में पाली विलेज कैफे में नरेशन होते रहते हैं सारा। ऐसा सब ये आपको, ये आपका बॉम्बे जर्नी दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। तो व्हेन आई कम टू बैंगलोर आप ऐसा मुझे बता सकते हो। इधर का सैंडविच भी बहुत फेमस है मुंबई में। अच्छा। यू गेट लाइक अ सैंडविच एवरीवेयर एंड एनीवेयर। मैं ज्यादा नहीं खाता हूं। हां, जस्ट आपको टेस्ट के लिए। अंडा पाव खाएगी क्या? ऑमलेट पाव? नहीं नहीं, ओनली वड़ा पाव। वड़ा पाव इज गुड। वड़ा पाव ट्राई करते बस। ये तो अलग है, अपन तो अलग ही दिख रहे हैं अभी रास्ते पे। हां, सो लोगों को समझ में आएगा ये शूटिंग चल रही है। तो स्ट्रगलिंग डेज में कभी किया क्या आपने ऐसा, सिर्फ एक वड़ा पाव खाया और निकल गए? हाँ, वो तो है। तो वहाँ का स्ट्रगल कैसा रहता था? व्हाट वुड यू ईट? हाउ वुड यू गो अबाउट लाइफ? वड़ा पाव तो सस्ते में मिलता है। हाँ, वो खाते थे। ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो लोग है ना, मतलब गाँव वाले बहुत सारे लोग है। हाँ। कर्नाटक से आके इधर सेटल हुए लोग है, और मेरा गाँव वाले रिलेटिव, मेरा कजिन्स भी थे इधर। सही बात है। सो देयर इट इज आई थिंक ओवर हियर। ये वाला कैसा आपको, तीखा मीठा चटनी की तीखा सिर्फ, मतलब ज्यादा स्पाइस नहीं चाहिए? स्पाइस नहीं चाहिए। तो एक सिर्फ तीखा बना दो और एक तीखा मीठा। ये तीखा वाला है, ये मेरा है सर। हाँ। ये आपका है। थैंक यू। ओके, चीयर्स। चीयर्स। देखिए सर, मैं और मेरी वाइफ, वी मेट एट वर्क, दैट टाइम शी वाज माय गर्लफ्रेंड। अभी इट इज डिफिकल्ट टू समटाइम्स वर्क विद योर पार्टनर एंड देयर कैन बी फाइट्स। तो ऐसा कभी हुआ कि आपका कुछ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा सेट पे मेरा कंप्लीट कंट्रोल रहता है। ओके।
सो और प्रगति और मेरा काम एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हमारा काम शूट जाने से पहले खत्म होता है. हाँ. एंड शूट का समय तो कुछ इम्प्रोवाइज हुआ तो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सब होते रहता है, वो प्रॉब्लम नहीं है जी. सो ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब शायद वो एक राइटर है, मैं भी एक राइटर हूँ, तो उस समय शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मतलब आइडिया के ऊपर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा शायद. सो ऐसा इधर वैसा कुछ नहीं है. नहीं है क्या? चलो टच वुड, थैंक गॉड. तो जब बजट मिला तो एज अ डायरेक्टर कभी कभी ऐसा लगता है कि बजट ऊपर जा रहा है, वी आर लूजिंग मनी और ओवर बजट हो रहा है, तो टेंशन होता है क्या? हाँ होता है, वही कांतारा में हुआ था. वही तो, दो कितना बजट हम लोगों ने प्लान किया था वो एक बेसिक स्टोरी का जो स्ट्रक्चर था उस समय किए थे जी. बाद में मैं एक बाउंड स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर को और प्रोडक्शन टीम को मैं नरेशन दिए, मैं और मेरा सारे राइटर्स टीम. उसके बाद हम लोग बैठ के बजट के बारे में डिस्कस नहीं किए थे. नहीं, वो क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हम करते करते स्केल बढ़ गया. तो उतना बड़ा स्केल में मैं स्टैंडर्डर का काम भी नहीं किया था. उतना बड़ा सेट था. अभी पैन इंडिया होने के बाद थोड़ा बजट कम लग रहा है. करेक्ट, ठीक है. लेकिन मैं उधर कनाडा में कर रहा था उस समय, पहली बार मैं इतना बड़ा बजट में काम कर रहा था, भाई इतना बड़ा स्केल में काम कर रहा था. हाँ जी. सो वो डबल से ज्यादा हो गया. ओह शिट, बजट वो बहुत बड़ा प्रेशर था मुझे, मतलब शूट करने समय में. ये मुंबई रेन्स आपने एक्सपीरियंस की क्या? रेन, हाँ, व्हेन यू हियर. हाँ हाँ, बहुत 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 बार. तो क्या लगता है आपको, डियर, वर यू स्टक एवर? नहीं, वी आर हैप्पी इन बैंगलोर. उधर भी बहुत प्रॉब्लम होता है अगर रेन आया तो बहुत, बट मुंबई जैसा तो नहीं कभी भी. हाँ, लेकिन कुछ जगह जो प्रॉब्लम होता है लोगों को जी जी तकलीफ होता है, लेकिन बॉम्बे जैसा नहीं है. बैंगलोर, ओ यार, इधर तो बारिश नहीं आती, सैलाब आता है. तो आर यू अ फूडी? ऐसा नहीं. हाँ जी, मतलब सब कुछ खाता हूँ मैं. हाँ. लेकिन थोड़ा लिमिट. अच्छा, अभी हो गया क्या ऐसा? पहले खाते थे क्या? पहले खाता था मैं. हाँ. जो पहले मैं ज्यादा वर्कआउट बोले तो ये दंड बैठक, लाइक इंडियन वर्कआउट, रसलिंग करता था. अरे वाह. और जूडो भी करता था उस समय, अच्छा खाता था. सच्ची? हाँ, जो रेसलिंग और जूडो नेशनल हुआ था मेरे कॉलेज. क्या बात कर रहे हो आप? हाँ. ओह सो कूल. सो इसलिए मैं इतना फाइट किया फिल्म में. बहुत सही लगता है आपका फाइट, ऐसा एकदम, इट्स वेरी, ऐसा कोरियोग्राफ्ड फाइट नहीं लगता कई जगहों पर. एंड कूडोस टू द एक्शन डायरेक्टर आल्सो फॉर दिस. या या, क्यों इतना लोग इधर? शाहरुख खान का घर है ये. ओह अच्छा, उनका बर्थडे गया परसों तो. हाँ हाँ, अच्छा. दिस इज समथिंग दैट ओनली यू सी इन मुंबई. हाँ हाँ, लोग बहुत सार बोलते थे इधर ही शाहरुख खान का घर. हाँ, लैंड एंड में आप रह रहे हैं, इधर ही शाहरुख खान का घर. द साउंड, देयर आर ईरी साउंड्स एंड देयर इज अ वेरी, लाइक आई रिमेंबर कमिंग आउट एंड टेलिंग यू कि हमारी इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी कि कैसे आई हैड द शाउट, द कॉल आउट, बट दैट कैन बी इनसेंसिटिव, राइट? सी, वो दैट शाउट इज नॉट जस्ट अ शाउट. दैव का जो वाक्य होता है, दैव का एक स्टेटमेंट जैसा होता है. ओके. सो उसमें आपको बहुत वेरिएशंस भी रहेगा. सो वो एक बहुत स्पिरिचुअल ये है, डज नॉट सिंपल शॉट. इसलिए मैं लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो थिएटर से बाहर आके एक्साइटमेंट में वो मत करो, वो चिल्लाना वैसा मत करो. एक 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 ट्रेडिशन और एक रिचुअल है, हम बिलीव करते हैं. ऐसा ही आपका भी गांव में कुछ और तरीके से होगा. सही बात, शायद. सो वो नहीं करो करके मैं रिक्वेस्ट भी आपके जो चैनल में भी मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ जी. वही मैं इसीलिए मैंने ये बात कहनी चाहिए ताकि लोगों को समझे. हाँ, बट द म्यूजिक, मैं स्पेशली अजनीश लोकनाथ एंड राजा कृष्णन हु इज द साउंड डिजाइनर. ओके. सो उन्होंने ये सब, मतलब एफएक्स का उनका टीम किया है और साउंड डिजाइन इनका भी. हाँ जी. तो हम लोग मैं रजनीश को लेके जाके हमारा जो मैंगलोर लेके गया, उधर दो दिन रुक के सारे फोक आर्टिस्ट जो लोग हैं. हाँ. उधर जो साउथ कैनरा में, पूरे साउथ कैनरा में. ओके. सबको लेके आके हम दो दिन पूरे के लाइव रिकॉर्ड कर दिए ओपन एयर. एक्चुअल फोक आर्टिस्ट, एक्चुअल फोक आर्टिस्ट को लेके आके मैं रजनीश को उधर लेके जाके वो अरेंजमेंट कर किया. सो उधर सैम्पलिंग किया रजनीश ने. ओके. सो सैम्पलिंग लिया, वो लेके आके रिदम्स में वो यूज किए है. और पीछे भी आपको जो आवाज जो आता है, वो फोकलोर आता है, फोक आता है, वो सब हम लोग उधर का ओरिजिनल फोक आर्टिस्ट को रख के वो रिकॉर्ड करके आया ना, वो प्रोग्राम करके एक सिनेमैटिक, मतलब एक्सपीरियंस लेके बहुत सही लगता है वो. हाँ, ऐसा.
मजा आ गया सर, कैसा लगा आपको इंटरव्यू? या अच्छा है, मतलब थोड़ा कैजुअली यस आराम से इधर उधर घूम के हाँ आराम से बात करके गए हम लोग, टाइम पास हो गया। करेक्ट, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। थैंक यू, एंड आप लोग जाओ फिल्में देखो इनकी सारी अब, और बताइए हमें कमेंट्स में कैसा लगा आपको। यस yes. आपकी डिमांड थी बाय द वे, ऋषभ शेट्टी को लाइए, लीजिए सर, ले आए हम सर को। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू ऑल।